मिस्टर पुंछ के पास मराठी में क्या क्या आपकी डिमांड? आज हमारा वक्त जो है वो एक छोटी सी कॉल पर यहाँ मतलब प्रेजेंटेशन लेके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ के पास पहुँचा, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो मौजूद नहीं थे। तहम सबॉर्डिनेट्स ने हमसे एक हमारा जो कंप्लेंट थी, हमारी जो अर्जी थी, वो उन्होंने रिसीव कर ली है हमारी रिप्रेजेंटेशन। तो इस रिप्रेजेंटेशन में हम ये कहना चाहते हैं कि महकमा PWD की तरफ से एक सड़क सेंक्शन हुई थी गुज़श्ते साल, इस साल मई में उस रोड पर जो है टेंडर के बाद अलाटमेंट हुई है। अलाटमेंट जो है वो राजौरी बेस्ड कोई फर्म है, उसके नाम अलाट हुई है वो रोड। अब उस ठेकेदार को आज तक मौके पर नहीं देखा गया है। वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका उस रोड के साथ कोई वास्ता नहीं है, उनको हम देखते हैं ऑपरेटर को साथ लेके वो जहाँ चाहते हैं जैसे चाहते हैं रोड को ग्रेड खराब कर रहे हैं, रोड को डिग्रेड कर रहे हैं, रोड का नॉमेनक्लेचर क्या है उस पर नहीं जा रहे हैं। हमने आज इस वक्त यहाँ आने की कोशिश की, हमने उनको कहा कि जब तक यहाँ डिपार्टमेंट नहीं आएगा PWD, क्योंकि नबार्ड की रोड है और PWD इसको टेकओवर कर रहा है, तो जब तक PWD के यहाँ कंसर्न इंजीनियर्स नहीं आएंगे तब तक इस रोड का काम बंद किया जाए। तो वो धमकियों पे उतर आए हैं कि वो जनाब हम इस रोड की जो है वो पैमाइश तिम्बरा कानी ब्रिज से करवाएंगे। मैं वाजे कर देना चाहता हूँ आपके चैनल की वसादत से कि ये सड़क जो है इसका नामी क्लचर ये है तिम्बरा कलानी ब्रिज टू 9th किलोमीटर PMGSY फतेहपुर वाया मोहल्ला खेत। अब PM ये जो रोड है कलानी ब्रिज से लेकर 1200 मीटर तक ये मैग्नमाइज ऑलरेडी मैग्नमाइज है, तो जबकि ये जो आज का जो अर्थवर्क है, आज का जो ये रोड निकल रही है 2 किलोमीटर, ये पूरे का पूरा अर्थवर्क है, ये पूरे का पूरा काम करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये आवाम के लिए कि 3,22,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट है जिसको ठेकेदार की लापरवाही और महकमा की लापरवाही की वजह से इस वक्त खराब किया जा रहा है। तो हमारी यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसमें यही अर्जी थी कि इस काम को उस वक्त तक रोका जाए जिस वक्त तक वहाँ महकमा जाकर के इसकी अलाइनमेंट ना दे बाज़ाब्ता तौर पर, जब तक इस रोड का कोई ग्रेड ना बने, जब तक ये रोड नमी पे ना जाए, जब तक इसकी आरडी ना लगे कि ये रोड कहां से शुरू हो रही है और कहां तक जाएगी, तब तक इस काम को बंद किया जाए। और इस ठेकेदार की जो पेमेंट है जो वहां पर, क्योंकि वहां 500-600 मीटर ऑलरेडी MG नरेगा और दीगर जो PRI के फंड्स हैं या डिस्ट्रिक्ट प्लान के हैं या नॉन प्लान के फंड्स हैं, उनमें से 500-600 मीटर की पहले से ही अर्थवर्क हो चुकी है। उसके ऊपर एक दिन मशीन चला के उन्होंने वहां आरवाल वगैरह लगाना शुरू कर दिया, उस पर भी पेमेंट लेना चाहते हैं हम, उसकी पेमेंट बंद करवाना चाहते हैं। इस मीडिया की वसादत से भी और रिप्रेजेंटेशन की वसादत से भी हमने DC साहब तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि इस पेमेंट को तब तक रोका जाए जब तक इस रोड को सही अलाइनमेंट पे ना ले जाया जाए, आवाम के पैसे का जयान ना किया जाए। यही गुजारिश है।